छिपा महाकाल है। ये सावन का महीना है, हमने कार्यक्रम को प्रारंभ किया भगवान शंकर की वंदना के साथ में। लेकिन आप जानते हैं देश में जितने भगवान शिव के मंदिर हैं, भगवान शिव के मंदिर से अधिक हनुमान जी के मंदिर है। क्यों? भगवान शिव ने कहा मैं सन्यासी हूं, सन्यासी के रूप में रहे, जिसको जो मांगा दे दिया, यह चिंता नहीं कि राष्ट्र का क्या होगा। भस्मासुर को भी दान दे दिया, सन्यासी का कर्तव्य निभाया। हमारे भी कई संत, अभी न्यूयॉर्क में था, मैं नाम नहीं लेना चाहूं किस संत का, लेकिन एक महिला संत है काफी बड़ी, और जब उनसे बात चल रही, उन्होंने एक शब्द कहा, हम संत हैं, हम किसी राजनीति में नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा शिक्षा की बात है, वो बोलते हमको इन बातों से कोई मतलब नहीं, हम संत हैं। मैंने कहा ठीक है, शंकर जी तरह पूजा होती रहेगी लेकिन हनुमान की तरह प्रसिद्ध नहीं हो पाओगे। जब भगवान शंकर ने सेवा के रूप में अवतार लिया, हनुमान अवतार गांव गांव तक पहुंच गए। नैनों से ज्वाल तेरी गति में भूचाल, नैनों से ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, धरती के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, धरती के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भक्ति में तांडव का ताल है, तेरी भक्ति में तांडव का ताल है, निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, रे मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। क्योंकि जो कविता में पढ़ रहा था, बाबा रोए रे, एक बार माननीय श्याम जी ने सुना और सुनने के बाद बोले कविता में निराशा झलकती है। मैं कि पहले तो निराशा आएगी, बाद में उसको आशा निकलेगी, क्योंकि आज जो कुछ देख रहा हूं मैं कैसे कह दूं, कड़वे को मीठा कैसे कह दूं, इन बेईमान भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को ईमानदार कैसे कह दूं, क्या कारण है नेता एक मंदिर मुझसे कर राजनीति की बातें मत करो। मैंने कहा राम का फोटो हटा दो यहां से, राम राजा थे, कृष्ण ने जीवन भर राजनीति की, हमने अर्थ अपने हिसाब से निकाल लिया। निराशा थी, निराशा तब भी थी जब माता सीता को खोजने तमाम वानर निकले और समुद्र किनारे जाकर बैठ गए। मैं बताना चाहता हूं, पूरे देश में कई बार लोग बोलते हैं अधिकारियों के सामने आकर, अब क्या होगा, देश लुट चुका, इतने विदेशी आ चुके, ये हो चुका, इतनी मिशनरी आ गई हैं, इतने काम चल रहे हैं, पूरा मीडिया हमारे खिलाफ है, क्या होगा, ऐसी निराशा सबके मन में, आपके मन में कई बार आती होगी। और ऐसी निराशा एक बार राम कथा के दौरान भी आई थी, तमाम वानर समुद्र किनारे बैठे हुए, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, हम सबके जीवन में एक बार ऐसी परिस्थिति आई। सुग्रीव ने कह दिया था माता सीता का पता लिए बिना जो भी वानर लौटेगा उसको मैं खत्म कर दूंगा। वानर जानते थे पीछे लौटते सुग्रीव मारेगा, आगे जाते हैं समुद्र में डूबना है। चलता है विदेशों में, भारत में परंपरा में अंतर है। लोग मुझसे पूछते हैं विदेशों में, भारत में और विदेश में क्या अंतर है। आजकल दिल्ली भी विदेशी है, मुंबई भी विदेशी है। विदेशी परंपरा, भारतीय परंपरा, विदेशी परंपरा में जैसे जैसे आदमी के हाथ पैर की ताकत कम होने लगती है, आदमी बेडरूम से ड्राइंग रूम में आता है, ड्राइंग रूम से हॉल में पहुंचता है, हॉल से बरने में पहुंचता है, और पहुंचते पहुंचते अंत में ओल्ड एज होम। और भारत में जैसे जैसे आदमी बुजुर्ग होने लगता है वैसे वैसे उसकी ताकत बढ़ती जाती, जीवन की ताकत। आज कई लोग बोलते हैं बच्चे कहना नहीं मानते हैं, क्यों बच्चे कहना मानेंगे, जितने 50 साल से ऊपर के लोग बैठे हो, अगर बच्चे कहना नहीं मानते, नियम के विरुद्ध काम आप कर रहे हो, क्यों नहीं निकलते समाज के काम के लिए। यूं तो राम के गीत गाएंगे, वेद के गीत गाएंगे, लेकिन वेद में लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, क्यों भूल गए वानप्रस्थ, हम भूल गए वानप्रस्थ, इस वानप्रस्थ की आवश्यकता है। जरूरी बोले लोग तमाम उठे, ये नई पीढ़ी काम करने वाले नए नए कितने प्रचारक, लोग पूछते प्रचारक शादी क्यों नहीं करते हैं, वो शादी इसलिए नहीं करते, आपके पाप का भुगतान वो लोग कर रहे हैं। यदि आपने सबने अपने समय में से एक एक घंटा दिया होता तो कुछ लोगों को, श्याम जी जैसे लोगों को, सब लोगों को जिंदगी घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने आनंद, कितने लोग, नाम क्या गिना, हमने अपने समय परित्याग किया। लेकिन जरूरी समाज तब आगे बढ़ेगा जबकि पुरानी पीढ़ी का जो होश और नई पीढ़ी का जो साथ मिल जाए। उस समय जामवंत जी, हनुमान जी, हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए कोने में सोच रहे मैं क्या कर सकता हूं,
मैंने गीत इसलिए गाया स्वर्गीय सुधीर फड़के जी द्वारा लयबद्ध किया हुआ गीत। हम पाप के संतान नहीं, डरे नहीं, अंधेरा देखकर डरे नहीं, अंधेरे में से रास्ता निकलेगा। जब हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, जामवंत ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना, गाइए, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि वे कवि ज्ञान निहाना, बुद्धि वे कवि ज्ञान निहाना, पवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग मानी, जो नहीं होय तात तुम पाई, जो नहीं होय तात तुम पाई। हनुमान जी ने कह दिया मेरे पास शक्ति नहीं। जान देने का कौन कहता शक्ति नहीं है, याद करो अपनी शक्ति। बाल समय रवि भक्ष लियो तब ती नहु लोक भयो अंधियारो, बाल समय रवि भक्ष लियो, आप सब गाते हैं हनुमान चालीसा, भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात न तारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात न तारो, देवन आन करी विनती, देवन आन करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, संकट मोचन नाम तिहारो, कौन ही जानता है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो, बंधु समेत जब आही रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो, बंधु समेत देवी ही पूज भली विधि सो बली, देहु सबे मिली मंत्र विचारो, मंत्र विचारो, जाय सहाय भय तब ही हो, जाय सहाय भय तब ही आही रावण सैन्य समेत सारो, को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, बालिक त्रास कपि से बचे, बालिक त्रास कभी से बचे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, बालिक त्रास कभी से बचे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, चौकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, जाय सहाय भय तब ही, जाय सहाय भय तब ही, रावण सैन्य समेत समारो, कौन संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, फेरी तक तट सिंधु सबे तब, फेरी तक तट सिंधु सबे तब, लाय सिया सुधि कान उबारो, फेरी तक तट सिंधु सबे तब, लाय सिया सुधि कान उबारो, संकट मोचन नाम तिहारो, कौन नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कौन नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, काज किए बड़ देवन के, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब जो, कौन सो संकट मोरे देश को जो तुमसे नहीं जात है टारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जात है, हम राम से मांगते हैं, कृष्ण से मांगते हैं, हनुमान से मांगते हैं, कि हर हनुमान महाप्रभु जग कछ संकट होय हमारो, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानता है जग
कथा नहीं है, आप देख रहे हैं कथा, वही हमारे हनुमान जी और हनुमान जी के वंशज वनवासी समाज। एक समय दो स्कूल, कभी सुनना है हनुमान जी का रूप विराट कैसे हुआ, कथा में सुनना है, कई महात्मा सुनाएंगे, लेकिन देश की व्यथा से जोड़कर कथा को सुनना है तो वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी वन बंधु परिषद, विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम संस्थान जो एकल विद्यालय काम में लगी, पूछिए कैसे काम बढ़ा। दो विद्यालय, 50 विद्यालय, 100 विद्यालय, 1000 विद्यालय, आज 10,000 विद्यालय तक पहुंच चुके हैं हम, और 1,00,000 वह संख्या भी प्राप्त करेंगे। तमाम निराशाएं हो, हमने सुग्रीव को अपना आदर्श नहीं माना है, हमने बाली को आदर्श नहीं माना, हमने हनुमान को आदर्श माना है। हनुमान जी विराट होने लगे, विराट विराट विराट, कि राम भक्ति के पंख लगाकर हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। महाबली कपि महातेज मैं, महाबली कपि महातेज मैं। केवल मेरे पीछे वालों का कर्तव्य नहीं, कोरस वाले का है, आप सब गाइए लाइन, क्योंकि इनको भी नहीं मालूम मैं क्या गाने वाला हूँ, आपको भी नहीं मालूम। महाबली कपि महातेज मैं, महाबली कपि महातेज मैं, अद्भुत क्षमतावान हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाइए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश दिहुं लोक उजागर, जय कपीश दिहुं लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित वेशा। महाबली कपि महातेज मैं, अद्भुत क्षमतावान हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। हनुमान जी पहुंच गए लंका, जिन राम जी की बात माननीय श्याम जी ने कही, शहर वालों ने पाप किया, आज से पाप किया, आंसू ही दिए महानगर ने सिर्फ राम को, ये तमाम नगरवासी सुने, आपने भगवान राम की पूजा तो की, लेकिन कल्पना कीजिए कभी कभी पूरे जीवन में नगरवासियों ने कब राम को सुख दिया, एक भी वक्त सुख दिया बताइए। आंसू ही दिए महानगर ने सिर्फ राम को, सीता तब को छीन के किया अकेला राम को, किंतु वन के वासियों ने प्यार राम को दिया, शबरियों ने ममता दी दुलार राम को दिया, वन में अश्रु जब छलक उठे थे उनके नैन से, तो वन का वासी कोई भी न सो सका था चैन से। खेल जान पे जिन्होंने लाके दी मात जान की, राम के वंशजों किसने पाला, लव कुश को किसने पाला, शहर ने पाला या वन ने पाला, हम दोषी हैं, हमने सीता को घर से बाहर निकलाया, हम दोषी हैं, हमने राम को पुत्रों के साथ रहने का सौभाग्य नहीं किया, हम दोषी हैं, हमारे कारण राम ने शरीर में प्राण त्याग किया, क्या अधिकार है हमको राम के गीत गाने का। इस प्रकार गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, इच्छा होती है कई बार गीत गाता रहूं, कीर्तन करता रहूं, इन आंसुओं के बीच कीर्तन कहां किए जाए।